पीटीआई शिक्षकों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को पानीपत लघु सचिवालय के सामने पीटीआई शिक्षकों ने धरना दिया व प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मामला है कि 2010 में कांग्रेस सरकार में 1983 शिक्षकों को भर्ती कराया गया था, किंतु हाईकोर्ट ने इन नियुक्तियों को अवैध करार दिया। उनकी नियुक्ति नियमों के विरुद्ध हुई थी। इसके बाद न्यायालय द्वारा इन शिक्षकों को हटाने के आदेश दिए गए, लेकिन अब इन्हें लिखित परीक्षा द्वारा अपने आप को मैरिट मिलाकर फिर से नियुक्ति का मौका सरकार द्वारा दिया जा रहा है। किंतु शिक्षकों का कहना है कि भर्ती में उनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें सभी कागज, परीक्षा इत्यादि सब ठीक है। वहीं उन्होंने बताया कि उन्हें रेगुलर भर्ती किया गया था, न कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, जिसके चलते उन्हें कोई नोटिस दिए बिना ही नौकरी से बाहर कर दिया। सर, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, शारीरिक शिक्षक संघ, जो 2010 में भर्ती किया गया था इनको, और सर 2020 में इनको बाहर निकाला गया है, जिसमें इनका कोई कसूरवार नहीं है, किसी के डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं है। जो कमी है भर्ती प्रक्रिया में है। अब भर्ती प्रक्रिया में जिसने जो फॉल्ट करा सर, उनको सजा दी जाए। हमें सजा क्यों दी जा रही है? या तो हमारा कोई कसूर है तो हमें बताया जाए, या हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी हमें दिखाए तो हम अपने आप नौकरी छोड़ देंगे अपनी। हमारी किसी की भी कोई कमी नहीं है सर, कोई कैंडिडेट दोषी नहीं पाया गया है। जो दोषी है सरकार उनको सजा दे। अब 10 साल के बाद सर एक्स सर्विस मैन है, वो कहाँ जाएंगे? जो विधवाएं बहनें हैं हमारी बेचारी, उनके बच्चों का लालन पालन कौन करेगा? या जो हमारे टीचर साथी 35 के करीब एक्सपायर हो गए हैं, उनकी फैमिली का रोजगार कहाँ से आएगा सर? उनका तो रोजगार छीन लिया। अब हम सड़कों पर आ गए सर, कौन बच्चों की फीस भरेगा? क्या हमारा होगा सर? अब हमारी सरकार से हाथ जोड़ के यही विनती है कि हमारी सर्विस बहाल की जाए, हमें नौकरी पे वापस लिया जाए, यही विनती है सर हमारी। जो हरियाणा सरकार की वादा खिलाफी के कारण पहले तो हाईकोर्ट में हम केस आ रहे, क्योंकि सरकार ने हमारी पैरवी नहीं की, जबकि हम रेगुलर भर्ती में भर्ती हुए थे। हमारी ऐसी वैसी भर्ती नहीं थी, मैं कोई चीज़ लगा दिया हो, रेगुलर भर्ती थी। कमीशन ही गलती थी, सिर्फ ये एक गलती थी कि 25-37 अंक क्यों किए? हाई कोर्ट ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, भाई ये कहा कि भाई इस पर सिग्नेचर नहीं है, भाई सिर्फ वन मैन आर्मी है, जबकि हमने वो ही पेश कर दिया कि भाई इतने मेंबर थे, ये सब मेंबरों के हस्ताक्षर हमने हाई कोर्ट में पेश कर दिए थे। लेकिन एक तरफा कार्रवाई करते हुए हरियाणा सरकार की दबाव में एक तरफा कार्रवाई करते हुए हमारे को हटा दिया। खैर, हम जबकि कोर्ट ने ये कहा है कि ये निर्दोष हैं, हमारे 3 बार डॉक्यूमेंट्स हाई कोर्ट ने चेक किए, एक भी उसमें फॉल्ट नहीं पाया गया, एक भी कर्मचारी का फॉल्ट नहीं पाया गया। और हरियाणा सरकार को ये कहते हैं कि हमारा कोई भी कर्मचारी अगर फॉल्टी पाया गया तो हम सामूहिक इस्तीफे दे देंगे। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।